त्रिदेवो, क्या संकट आया है कि अकस्मात ही आपने मेरा आह्वान किया है? देवी चंद्रघंटा, अकस्मात ही कुछ ऐसा घटित हुआ कि आपका आह्वान करना पड़ा। जो अकस्मात घटित होता है वो घटना नहीं दुर्घटना कहलाता है, और दुर्घटना अक्सर दुखदायी होती है। हाँ देवी, ऐसा ही है। अभी तक तो वो केवल देवताओं को ही पीड़ित करता था, उन्हें यातनाएं देता था, किंतु अब उसने स्त्रियों पर भी अपनी बुरी दृष्टि डालना प्रारंभ कर दिया है। देवी स्वरूपा स्त्री पर बुरी दृष्टि, इतना दुस्साहस! देवी, उसने ऐसा घृणित कार्य किया है कि यदि उसे अभी ही दंड नहीं दिया गया तो अनर्थ हो जाएगा। अब चाहे भूचाल आए या कुछ और, इंद्राणी को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, ना ही कोई शक्ति और ना ही कोई युक्ति। महाराज, दैत्य गुरु शुक्राचार्य आए हैं। ज्ञात है मुझे कि वो क्यों आए होंगे, उन्हें वहीं रोक दो। दानवराज ने आपको यहीं रुकने को कहा है। दानवराज ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो मुझे इस प्रकार नहीं रोक सकते। तुम स्वर्ग के राजा इंद्र की पत्नी हो ना, कहो इस देव से जो सुंदरी के पास जाए और जाकर उससे कहे कि महिषासुर ही इस संसार में उसके लिए सर्वश्रेष्ठ और सबसे योग्य वर है। जितना प्रेम, जितना सुख और जितना ऐश्वर्य महिषासुर उसे दे सकता है, इस संसार में कोई अन्य पुरुष नहीं दे पाएगा। ना ही किसी में इतनी क्षमता है और ना ही मुझ जैसी शक्ति। कहो इससे कि उससे कहे कि वो महिषासुर को सहर्ष स्वीकार कर ले। अपने स्वार्थ के लिए अपने ही बंधुओं से आत्मघात करने वाले नीच, तुम क्या किसी का ध्यान रखोगे और तुम क्या किसी को प्रेम दोगे? प्रेम शब्द का अर्थ भी जानते हो तुम? पति पत्नी के संबंध के मर्म को समझते हो तुम? जो अपने माता का नहीं हो सका वो संसार में किसी का नहीं हो सकता। इंद्राणी, दंड मिलेगा तुम्हें आज इंद्र की पत्नी होने का, कठोर दंड। बहुत हो गया महिषासुर, अब और नहीं, बहुत दिखा लिया तूने अपना झूठा पुरुषार्थ। अब और नहीं। घंटे की ध्वनि बंद करो। सैनिको, पता करो ये ध्वनि कहां से आ रही है। ओ, 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 सैनिको!